नमस्कार, आप देख रहे हैं जय भारत। मैं हूं विनीता मिश्रा। हैदराबाद में डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के साथ दरिंदगी की गई। ऐसी दरिंदगी कि कुछ मनचलों ने उनके साथ गैंगरेप किया, उसकी हत्या की और फिर आग के हवाले कर दिया। उनका शव जिस प्रकार जली हुई अर्धजली हुई अवस्था में मिला, उसकी चिंगारी पूरे देश को अपने आगोश में ले ली। और अभी वो चिंगारी शांत भी नहीं हुई थी कि ठीक उसी प्रकार की एक घटना कि बिहार के बक्सर के इटाढ़ी थाना क्षेत्र के कुकुड़ाहा में एक अर्धजली युवती का शव मिला है। और शव देखकर साफ ये आशंका जताई जा रही है कि उस युवती के साथ बिल्कुल वैसी ही वारदात को अंजाम दिया गया है जो हैदराबाद में डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के साथ दिया गया है। आपको बता दें कि जब उस महिला का शव लोगों ने देखा तो पुलिस को उसकी जानकारी दी। महिला पूरी तरह से अर्धजली हुई है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरें ऐसी कि रूह कांपा दे, तस्वीरें ऐसी कि कोई भी जो साधारण इंसान है वो तस्वीर बर्दाश्त नहीं कर सकता। आखिर इस तरह की वारदात क्यों हो रही है? एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि क्या बिहार नहीं क्या पूरे देश में बेटियां सुरक्षित है? ये जो तस्वीरें बक्सर से आई है वाकई दिल दहला देने वाली है। बक्सर से जो तस्वीरें महिला की आई है अर्धजली अवस्था में, जब उस शव को देखा गया, जब वहां के स्थानीय लोगों ने उस शव को देखा तो उसको उसकी जानकारी पुलिस को दे दी। पुलिस मौके पर पहुंची, महिला को पोस्टमार्टम कराया गया और पोस्टमार्टम में ये पुष्टि होता है कि महिला के साथ गैंगरेप किया गया है। उसके बाद उसे गोली मारी गई है और उसके बाद उसे आग के हवाले कर दिया गया है। तो जो एक घटना इतना बड़ा मुद्दा बन गया था, प्रियंका रेड्डी, डॉक्टर प्रियंका रेड्डी जिनके साथ गैंगरेप किया गया, उनको आग के हवाले कर दिया गया और ठीक उसी प्रकार अब बिहार में भी ये घटना घटी है। एक बड़ा सवाल उठता है, जो इतने देश आक्रोशित हैं, पूरा देश की जनता आक्रोशित है कि कब तक इस प्रकार की घटना घटती रहेगी। अभी प्रियंका रेड्डी की आग शांत भी नहीं हुई थी कि बिहार में भी ठीक उसी प्रकार की चिंगारी ने आग का रूप ले लिया है। और बहुत ही बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर कब तक इस प्रकार बेटियों के साथ अन्याय होता रहेगा। आखिर कब तक लोग अपनी हवस का शिकार बेटियों को बनाते रहेंगे और आखिर कब तक सरकार यूं हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी? और आखिर कब ऐसा कानून बनेगा कि जो इस तरह के मनचले हैं उन पर अंकुश लगाया जाए? बहुत बड़ा सवाल है, सोचने की ज़रूरत है। आखिर ये जो व्यवस्था है इसमें कब बदलाव होगा? तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए अजय भारत।